जयंत जी, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई काउंसलिंग 2024 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार आईटीआई का जो रैंक कार्ड है जारी कर दिया गया, रिजल्ट जारी कर दिया गया, और पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि आखिर कैसे आप अपना रैंक कार्ड चेक कर सकते हैं, कैसे आप स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपना रैंक कार्ड नहीं समझे हैं या फिर नहीं चेक किए हैं तो इस वीडियो को देखकर आप सारा जानकारी समझ सकते हैं। देखिए, आज का यह स्पेशल वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी कैंडिडेट 2024 में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं सरकारी कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि आपको यह समझ होना जरूरी है कि आखिर क्या रैंक कार्ड आने के बाद आगे क्या करना होगा, यानी काउंसलिंग कब से होगा, च्वाइस फिलिंग कब से होगा, च्वाइस फिलिंग होता क्या है, कौन सा कॉलेज डाले, कितने रैंक पर हमारा कौन सा ट्रेड मिलेगा, डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी समझते हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर जो आपका आईटीआई का काउंसलिंग होगा वो होगा कब से और काउंसलिंग का मतलब क्या है। तो देखिए, बिहार आईटीआई में एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो सिंपल सा होता है। जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम पास हैं या फिर फेल हैं, जो हमारा स्कोर कार्ड आया हुआ है, तो देखिए फेल पास इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है। आपको यहाँ पर रैंक कार्ड जारी किया जाता है, जो कि रैंक कार्ड जारी कर दिया गया है। आप सबसे पहले अपना रैंक देखिए कि आपका रैंक है कितना, ठीक है। जो भी आपका रैंक है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। रैंक के अनुसार ही आपको एडमिशन होते हैं, इसमें कोई फेल पास होता नहीं। कम से कम आपको 30 नंबर होना चाहिए पासिंग मार्क्स, जो कि आपके पास होए तो आप बिल्कुल काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि आखिरकार काउंसलिंग हम लोग कौन सा यहाँ पे कॉलेज डाले, कौन से ट्रेड को हम चुने ताकि हमारा एडमिशन हो जाए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार काउंसलिंग होगा कब से। तो देखिए, काउंसलिंग का डेट तो यहाँ पे एग्जैक्ट बताया नहीं गया है अभी तक बोर्ड के द्वारा कि हम इस दिन से काउंसलिंग लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो काउंसलिंग का स्टार्ट होने की प्रक्रिया है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में, यानी कि 1 से 7 जुलाई के बीच ही आपका जो है काउंसलिंग शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। जहाँ तक अगर आपका ये डाउट है कि आखिरकार च्वाइस फिलिंग हम कौन सा कॉलेज डालें, कैसे हम अपना एडमिशन ले सकते हैं, तो इसको लेकर मैं आपको बताऊँ कि देखिए, सबसे पहले तो आप अपना रैंक देख लीजिए। एक सीट मैट्रिक्स जारी होता है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स यहाँ पे एक लिस्ट होता है, पीडीएफ होता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट है, कौन से ट्रेड में कितनी सीट है। हालांकि अभी वो जारी नहीं किया गया है, जारी किया जाएगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसी के माध्यम से आपको मालूम चल पाएगा कि आखिरकार आपको कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है, और कितने रैंक पर। मैंने आपको काफी पहले से मैं बिहार आईटीआई क्लासेस कराते रहा हूँ, लेकिन इस बार 2024 में कुछ पर्सनल रीजन था, पर्सनल काम था, इसी के कारण ना आपको क्लास हो पाई, ना ही हम पूरा रेगुलर वीडियो बना पाए। लेकिन कोशिश रहेगी कि जो भी अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया है मैं आपको सारा डिटेल देता रहूँ, साथ ही जो 2025 वाले बच्चे हैं उनको मैं लाइव क्लासेस भी कराता रहूँ, ठीक है। तो आप इस बात को समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि च्वाइस फिलिंग होता क्या है। तो च्वाइस फिलिंग वही होता है जो आप कॉलेज डालते हैं, ट्रेड डालते हैं, वही च्वाइस फिलिंग होता है। च्वाइस फिलिंग होने के बाद आपको क्या होता है कि आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है, यानी कि जो भी आपने कॉलेज डाला है उसके अनुसार एक मेरिट लिस्ट आता है। अगर उस मेरिट लिस्ट में नाम आपका आ जाता है तो फिर आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होता है। अगर आपके ये डाउट है कि आगे क्या सर कॉलेज में कितना फी लगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होता है, तो देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद या फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। ज़्यादातर बच्चों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो पटना में होता है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जिनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो मुजफ्फरपुर में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो आपको पटना में ही लिया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको बता दिया जाता है कि आप इस कॉलेज में एडमिशन आपका हो रहा है, आपका रोल नंबर ए है और आप क्लास कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ये भी डाउट है कि हम रेगुलर क्लास कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो देखिए पहले की बात और थी, अब आपको डेली क्लास करना जरूरी है बिहार आईटीआई के कॉलेज में, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है तो, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी प्रक्रिया है, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं। आप अपना रैंक कार्ड चेक कर लिए हैं, सबसे पहले आपका यहाँ पे च्वाइस फिलिंगों का काउंसलिंग होगा, जो कि अभी डेट आया नहीं है, बहुत जल्द आ जाएगा। च्वाइस फिलिंग होने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा, नाम चेक करना होगा। अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, तो देखिए डॉक्यूमेंट में आपका लगता है एडमिट कार्ड, जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसका हार्ड कॉपी, इसके अलावा रैंक कार्ड, जाति निवास आय, आधार कार्ड, इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं जो कि मैं अपने वेबसाइट पर डाल दिया हूँ, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना था जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। जो भी आपके डाउट हैं बिहार आईटीआई संबंधित, बिहार आईटीआई कोचिंग संबंधित,
आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कमेंट का आंसर दिया जाए। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।